तो आप यहाँ पर नोटिस करेंगे कि लास्ट टाइम मैंने आपको अराउंड एटीन थाउजेंड के आसपास दिया था और अभी जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है अराउंड के आसपास हाय एवरीवन इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जिसने आज के दिन एक काफी अच्छा ब्रेकआउट दिया है और अगर ये स्टॉक ब्रेकआउट के डायरेक्शन में अगर मूवमेंट को कंटिन्यू करेगा तो आपको आने वाले समय में एक अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है अब बात करते हैं स्टॉक की पहला स्टॉक है हमारे पास अंबुजा सीमेंट का और ये राइस इसका चार्ट तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर रीजन को फाइंड आउट करते कि हमने इस स्टॉक को क्यों सेलेक्ट किया है क्या हमारा एंट्री प्राइस होगा क्या स्टॉप लॉस होगा और क्या हमारे पॉसिबल टारगेट हो सकते हैं आप यहाँ पर देखेंगे कि जो मैं टाइम फ्रेम यूज कर रहा हूं वो है डेली का तो आइए सबसे पहले रीजन को फाइंड आउट कर लेते हैं याद रखिएगा यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन का यूज करने जा रहा हूँ दैट मीन्स कि अगर आप कोई भी इंडिकेटर या ऑसिलेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं और अगर आप उससे एक अच्छा पैसा कमा रहे तो आप उसको यूज कर सकते हैं उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है तो आप यहाँ पर नोटिस करेंगे कि इस स्टॉक ने एक काइंड ऑफ

And आज के दिन भी हमें इसका एक ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है, That means कि से जाने के जो probability है वो काफी लेवल्स हाँ तो की तो अगर ये स्टॉक फाइव फोर्टी के अगर ऊपर निकलता है तो हमें अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है अगर बात करेंगे स्टॉपलेस की तो स्टॉपलेस होगा प्रीवियस स्विंग लो जो की आ रहा है फाइव हंड्रेड रुपीज क्लोजिंग बेसिस पर अब बात करते हैं टारगेट की हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 565 का सेकेंड टारगेट है 585 एंड थर्ड टारगेट है हमारे पास 600 का अब आइए देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक और ये है गुजरात गैस लिमिटेड का और ये रहा इसका चार्ट अगेन सबसे पहले रीजन को फाइंड आउट करेंगे याद रखिएगा आप ट्रेडिंग कर रहे हैं या इन्वेस्टिंग कर रहे हैं आपके स्टॉक सेलेक्शन का जो क्राइटेरिया है ना वो बिल्कुल ही सटीक होना चाहिए जिससे क्या होगा कि आप एक सही स्टॉक में ट्रेड और इन्वेस्ट कर पाएंगे मतलब कोई भी रैंडम ट्रेडिंग नहीं करनी है आपको प्रॉपर रीजन होनी चाहिए किसी भी स्टॉक को सिलेक्ट करने के लिए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो ट्रेंड लाइन था एक काइंड ऑफ रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था जब भी प्राइसिस लेवल को टच करती थी हमें डाउन साइड में एक मूव देखने को मिलता था बट आप यहाँ पर नोटिस करेंगे कि आज के दिन हमें इसका एक ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है तो इस स्टॉक को जो सेलेक्ट करने का जो रीजन है वो है लाइन का ब्रेकआउट देखिए अगर आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना नहीं आता है तो मैंने उस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है आपको जब भी टाइम मिले आप उससे जाके देख सकते हैं

तो अगर ये स्टॉक 500 के अगर ऊपर निकलता है तो हमें एक अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है अगर बात करेंगे स्टॉप लॉस की तो स्टॉप लॉस का प्रीवियस स्विंग लो जो कह रहा है ₹445 क्लोजिंग बेसिस पर अब बात करते हैं टारगेट की हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 525 का सेकेंड टारगेट है 575 का एंड थर्ड टारगेट है हमारे पास 640 का अब आइए देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक और ये है GNFC का और ये रहा इसका चार्ट Again, सबसे पहले रीजन को फाइंड आउट करेंगे एक सिंपल हॉरिजॉन्टल लाइन चीजों को बिल्कुल ही आसान रखना है कोई भी चीजों को ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना है तो आप यहां पर नोटिस करेंगे कि इस स्टॉक ने एक काइंड ऑफ राउंड बॉटम पैटर्न बना रखा था एंड आज के दिन हम इसका एक ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है तो इस स्टॉक को जो सेलेक्ट करने का जो रीजन है वह राउंड बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट उतना ही नहीं आप यहाँ पर यह भी नोटिस कर सकते हैं कि जो आज का जो वॉल्यूम है वो नॉर्मल डेज के कम्पेरिजन में कई गुना ज्यादा है दैट कि इस ब्रेकआउट को वॉल्यूम भी सपोर्ट कर रहा है एक पैटर्न आप यहाँ पर और ड्रॉ कर सकते हैं उसके लिए आपको ट्रेड लाइन का नॉलेज होना चाहिए जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस स्टॉक ने एक काइंड ऑफ असेंडिंग ट्रैंगल पैटर्न बना रखा था एंड आज के दिन हम इसका भी ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है तो सेकंड रीजन इस स्टॉक को जो सेलेक्ट करने का है वो है असेंडिंग ट्रैंगल पैटर्न का ब्रेकआउट अब बात करते हैं लेवल्स की। तो अगर ये स्टॉक एट हंड्रेड टेन निकलता है तो हमें अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है। अगर बात करेंगे तो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा एट सिक्सटी का सेकेंड टारगेट है नाइन हंड्रेड टेन का एंड इसके बाद ये जो स्टॉक है अपने है की तरफ निकल जाएगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक और ये है बॉश लिमिटेड का और ये रहा इसका चार्ट अगेन सबसे पहले रीजन को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो आप यहां पर नोटिस करेंगे कि लास्ट टाइम मैंने आपको अराउंड एटीन थाउजेंड के आसपास दिया था और अभी जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है अराउंड ट्वेंटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड के आसपास तो काफी अच्छा आपको यहां पर रिटर्न देखने को मिला होगा बट कोई बात नहीं अगर आपने लास्ट टाइम अगर मिस कर दिया था तो हो सकता है कि आपको इस बार एक अच्छा रिटर्न देखने को मिल जाए बट सबसे पहले रीजन को फाइंड आउट करेंगे याद रखिएगा आपके लॉजिक बिल्कुल ही क्लियर होने चाहिए अगर आपके लॉजिक क्लियर हैं, आप आप लॉन्ग रन में आप एक अच्छा पैसा बना लेंगे। तो आप यहाँ पर नोटिस करेंगे कि ये जो 22,300 का जो लेवल है ये लास्ट टाइम हमें सितंबर 2017 में देखने को मिला था एंड आज के दिन हमें इसका एक ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है तो इसे हम लोग कहते हैं मल्टी ईयर ब्रेकआउट और ये breakout कितने साल बाद हो रहा है तो ये pattern आपको पता होना चाहिए. इससे क्या होगा कि आपको लॉन्ग रन में आप एक अच्छे स्टॉक को फाइंड आउट कर पाएंगे और जनरली मल्टी ईयर ब्रेकआउट में हमें बड़े मूव्स देखने को मिलते हैं अब बात करते हैं कि हमारा लेवल क्या होगा तो अगर ये स्टॉक ट्वेंटी टू थाउजेंड सेवन हंड्रेड के अगर ऊपर निकलता है तो हमें एक अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है अगर बात करेंगे लॉस की तो लॉस होगा लो, जो कि आ है ट्वेंटी वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज क्लोजिंग बेसिस पर अब बात करते हैं टारगेट की हमारा फर्स्ट टारगेट होगा ट्वेंटी थ्री थाउजेंड सेवन हंड्रेड का सेकेंड टारगेट है ट्वेंटी फोर थाउजेंड नाइन हंड्रेड का एंड थर्ड टारगेट है हमारे पास ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड का अब आइए देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक और ये है अशोक लेलैंड ले का और ये रहा इसका चार्ट अगेन सबसे पहले रीजन को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे एक सिंपल सा ट्रेंड लाइन अगर आपको ड्रॉ करना नहीं आता है, तो मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बना रखा है आपको जब भी टाइम मिले आप उसे जाके देख सकते हैं

तो अगर ये स्टॉक 190 के अगर ऊपर निकलता है तो हमें एक अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है अगर बात करेंगे स्टॉप लॉस की तो स्टॉप लॉस होगा प्रीवियस स्विंग लो जो क्या रहा है वन सेवेंटी क्लोजिंग बेसिस पर हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ पर आ रहा है अराउंड वन के आसपास एंड इसके बाद जो है स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई की तरफ चला जाएगा दैट मीन्स कि स्टॉक काफी क्लोज ट्रेड कर रहा है अपने ऑल टाइम हाई के पास तो मिनिमम फाइव टू टेन परसेंट का आप टारगेट रख सकते हैं एंड उसके बाद आप ट्रेल करिएगा क्योंकि स्टॉक जो है अपने ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है एंड प्राइस ऑल टाइम हाई ब्रेक करने के बाद कितना भी ऊपर जा सकता है कई सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ ए ब्रेकआउट पर ही ट्रेड करते हैं ए ब्रेकआउट मतलब ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट तो आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा थैंक्स फॉर वॉचिंग